वाशिम जिले के तीर्थ क्षेत्र पोहरागढ़ दर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिग्रस शहर पहुंचकर बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पहले सरकार वोटों से बनती थी, अब खोखों से बनती है। आयोजित कार्यक्रम कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। दिग्रस शहर में यवतमाल और वाशिम जिले के शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से आयोजित कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तीखे अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को फर्जी करार देते हुए बीजेपी पर अन्य पार्टियों को खत्म करने की हरकत का पुरजोर तरीके से आरोप किया। कल तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सिंचाई क्षेत्र में 70,000 करोड़ के घोटाले में लिप्त होने का आरोप करने वाले और उन्हें जेल भेजने की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी ने ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार और अन्य नेताओं से आज हाथ मिला लिया। क्या यही भाजपा का हिंदुत्व है? ऐसा सवाल खड़े करते हुए उन्होंने बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों को भी आड़े हाथों लिया। अपने पंतप्रधान समुद्र पलीकडे जाऊन आले, अमेरिकेत जाऊन आले, मध्य प्रदेश मध्ये जाऊन प्रचाराचा नारळ फोडून आले। तो नारळ फोडताना त्यांनी काही शिंतोडे राष्ट्रवादीवरती उडवले। 70,000 कोटीचा घोटाळा करणारा पक्ष म्हणून त्यांनी सांगितलं, राष्ट्रवादी 70,000 कोटीचा घोटाळा केला आणि 4 दिवस होत आहेत तो तेव्हा हे सगळे गटच्या गट फुटला आणि म्हणतात आम्हीच राष्ट्रवादी। आता त्यांच्याबरोबर मोदीजींचा फोटो येणार, 70,000 कोटी ज्यांनी घोटाळा केला त्यांच्याबरोबर फोटो येणार। हे तुम्हाला पटते? हे हिंदुत्व तुम्हाला पटते? हा खोटेपणा तुम्हाला पटतोय? पण पंतप्रधान भोपाळमध्ये जाऊन प्रचार करतात। मणिपूर हा एक कधी शब्द ऐकलाय का तुम्ही? ऐकलाय ना मणिपूर काय परिस्थिती तिथे? कल्पना आहे तुम्हाला? परिस्थिती एवढी भयानक आहे की हा आपल्या देशाचा एक मणिपूर मणी हा तुटतोय की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। पण अजूनही नरेंद्र मोदी आपले माननीय पंतप्रधान तिकडे जायला तर सोडा, पण त्याच्याबद्दल काही बोलायला तयार नाही। इस सम्मेलन में उद्धव ठाकरे को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे शिवसैनिकों सहित हजारों लोगों की भीड़ यहां उमड़ पड़ी थी। पूर्व राज्य क्रीड़ा मंत्री संजय देशमुख, शिवसेना के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे और पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख तथा सांसद अरविंद सावंत ने भी शिंदे गुट के मंत्री संजय राठौड़, सांसद भावना गवली और वर्तमान राज्य सरकार पर प्रहार किया। उद्धव ठाकरे ने बताया कि वे फिलहाल अकेले हैं, लेकिन उनके साथ शिवसेना पर भरोसा करने वाली जनता जनार्दन है और वही उन्हें आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि पहले वोटों से सरकार बनाई जाती थी, लेकिन अब खोखों से सरकार बनाई जा रही है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने पर तुली है। वो एक देश एक पार्टी में यकीन रखती है, जो संविधान और लोकतंत्र विरोधी विचार है, जो हमें कतई मान्य नहीं। आता एक नवीन चर्चा शुरू के लिए समान नागरिक कायदा करा, चर्चा जरूर करा। 370 कलम काश्मीर काढताना आम्ही पाठिंबा दिलाच होता। समान नागरिक कायदा सुद्धा काय आहे तो या एकदा लोकांना कळू द्या ना। आम्ही कुठे म्हणतो आम्ही विरोध करतोय, पण समान नागरिक कायदा कशासाठी? एक देश आणि एक कायदा आम्हाला मान्य, एक देश आणि एक कायदा बरोबर आहे, पण एक देश आणि एक पक्ष आम्ही कदापि मान्य करणार नाही, अजिबात करणार नाही। जर तुम्हाला असं वाटत असेल की एका ह्या हिंदुस्थानामध्ये केवळ भारतीय जनता पक्षच राहायला पाहिजे, बाकी सगळे पक्ष आम्हीच चालवणार, आणि तसंच चाललेलं आहे। कुल मिलाकर पूर्व राज्य क्रीड़ा मंत्री संजय देशमुख की अगुवाई में आयोजित इस सम्मेलन को वाशिम और यवतमाल जिले के शिवसैनिकों ने अपेक्षा से बढ़कर उम्दा प्रतिसाद दिया है। इस सम्मेलन के बाद जानकारों द्वारा कयास जताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी ने एक तरह से उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के लिए आगामी दिनों में यवतमाल और वाशिम जिले में पार्टी के लिए पोषक वातावरण के निर्माण का संकेत दे दिया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।